इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जो ग्लोबल कुछ बड़ी कंपनीज हैं अब लगभग सभी इंडियन्स, इंडियन इंडियन सीईओ या इंडियन मैनेज मैनेजमेंट लीडरशिप पोजीशन लेती हुई दिख रही है सर ये गर्व की बात है और अगर आप साइज और स्केल इन कंपनीज का दिखे तो जो इंडियंस के कंट्रोल में है ये कंपनी गजब गजब है इनका मार्केट कैप निकाले तो हमारे मार्केट कैप पूरे मार्केट से कितना बड़ा हो गया निकाला कुशल ने ये निकाला अरे वाह तो कुशल बताइए क्या क्या रिसर्च किया आपने अनिल सर यहां पर एक ही चीज कहूंगा कि हमने मचा दिया है धूम मतलब गदर ल, गदर मचा नहीं मिनट उतर... मिनट मिनट वो इनको कुछ एक मिन <laughs> जी राकेश जी को नॉर्थ में क्या कहते हैं, इसको गदर नहीं शब्ण शब्ण नहीं। हैं। क्या ये जो ऐसा वो नहीं। मचा देते हैं उसको क्या, क्या शब्द नितिन जी भी बता सकते हैं चोपड़ा साहब भी खासतौर से दिल्ली और पंजाब यूपी में वो शब्द चलता है कुछ याद आ रहा है आप बताओ नहीं तो हमारे दर्शक बता देंगे गदर जी अच्छा बवाल गदर <laughs> क्या जी बंसल जी बवाल बवाल मचा दिया सब जो कुराज जी, जी बोल रहे हो वो भी ठीक है नहीं जी पंजाबी में बोलेंगे तो, तो फट्टे चल जाएंगे उनको बढ़िया है अच्छा अच्छा गदर या बवाल मचा दिया मतलब तो बवाल थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ने, गदर मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव पॉजिटिव साइड में तो बताइए किस-किस ने गदर मचाई है कुशल तीन तीन छत सात सात तो कंपनियां मेरे सामने हैं जहां पर पांच हजार बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है पांच हजार बिलियन डॉलर मैं बोल रहा हूं सर तो अभी अब कैलकुलेशन wow. जो है हमारी काउंटिंग शुरू हो सकती है बट जिस तरह से हम लीड करते हुए नजर आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही प्राउड मोमेंट है और आप स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिस तरह से हमने काम कायम की है और यहां पर जो लीडर से पोजिशन और ऐसे भी नहीं कि हम जो है थर्ड या फोर्थ लेग डाउन द लीडरशिप पोजीशन हम रैंक पर आ रहे हैं हम सीईओ जो है वो बनते हुए जा रहे हैं तो अपने आप में ये काफी गौरव की बात है और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो यहां पर जो मैं मार्केट कैप की बात कर रहा था आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट फरवरी 2014 में सत्या नडेला ने इसको ज्वाइन किया था और अभी आप देखिए 2.5 ट्रिलियन डॉलर बिलियंस में देखेंगे तो 2520 बिलियन डॉलर की जो है इसकी मार्केट कैप है माइक्रोसॉफ्ट की और गूगल सेकंड आप देखें तो 1950 बिलियन डॉलर का जो है इसकी मार्केट कैप है दिसंबर 2019 में सुंदर पिचाई जी जो है यहां पर इसके सीईओ बनते हुए नजर आए थे तो इन ऑल अगर आप देखें तो कुल मिलाकर सात सात कंपनियां ऐसी है जहां पर इन्होंने आ, अपनी बादशाहत कायम की है और आ, जो डेजिग्नेशन वाइज अगर आप देखें तो सबसे चरम पर यहां पर आ, जो इंडियन सी हैं वो पहुंचते हुए नजर आए हैं डेफिनेटली ये काफी आ, आप स्पेसिफिकली मार्केट कैप गेन्स के हिसाब से देखेंगे मैंने एक और डेटा पॉइंट यहां पर निकाला था कि जहां पर इन सब कंपनियों में जब इन्होंने ज्वाइन किया था उसके बाद से कितनी परसेंटेज गेंस ये लाते हुए नजर आए हैं हैं। उसमें सबसे पहले आप देखिए अडोबी यहां पर शांतनु नारायण जी ने दिसंबर 2007 में ज्वाइन किया था एज ए सी और उसके बाद से ऑलमोस्ट 1245 परसेंट के गेंस इनके मार्केट कैप में होता हुआ दिखा है सेकेंडली माइक्रोसॉफ्ट जहां पर मैं फरवरी 2014 की बात कर रहा था सत्य नडेला जी ने वहां पर लगभग 700 परसेंट के गेंस इनके मार्केट कैप में इजाफा हमें देखने को मिला है इनके एज ए सी पद पर ज्वाइन करने के बाद साथ ही सुंदर पिचाई जी ने दिसंबर दो में ही हाल फिलहाल ही यानी दो साल पहले ही यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया था वहां पर भी जो मार्केट कैप है डबल होता हुआ दिखा है 111 परसेंट का जो मार्केट कैप इंक्रीज है वो गूगल में भी आता हुआ नजर आया हमें पालो ऑल्टो नेटवर्क की बात करें तो 186 परसेंट इंक्रीज यहां पर भी है जिसमें निकेश अरोरा अरोन दो हजार अट्ठारह में यहां पर ज्वाइनिंग की थी और अंत में मई 2017 में संजय मेहरोत्रा जी ने माइक्रोन ज्वाइन किया था वहां पर भी 184 परसेंट की राइज आपको मार्केट कैप में देखने को मिली है सारे इंडियंस के जाने के बाद प्रोग्रेस प्रोग्रेस हो रही है जबरदस्त वाह क्या बात है एक हमारे कुनाल जी हैं जो विदेशों में गए थे और वहां से फिर आ गए अच्छा भाई दबे एक तो जो पंजाब में तो वही बोलते जो बंसल जी ने बताया चक दे फट्टे क्या नहीं फटे चक फटे चक दे हाँ और यूपी के हमारे दर्शक वो कह रहे हैं लठ गाड़ दिए लठ गाड़ का हाँ मतलब धाक जमा बिहार वाले कह रहे गर्दा उड़ा दिया <laughs> <laughs> सबके अपने अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग आ रहे है तो चलिए बढ़िया है जो भी है अच्छा एक ये इस शब्द का क्या मतलब है भोकाल कुछ इसका मतलब किसी को पता पता नहीं बहुत सारे लोग लिख रहे हैं ये भी होता है अब ये तो मैंने शब्द पहले सुना नहीं कभी आप में से किसी ने सुना है भोकाल मचा दिया हाँ भोकाल मचा दिया बोलते है कुणाल जी सुना ये वाला शब्द अनिल जी चल रहा है अनिल जी आजकल ये जो वेब सीरीज चल रही है अनिल अच्छा। जी इनसे आया है ये शब्द भोकाल अच्छा वहां से आया है ओके ये जनरेशन गैप का बड़ा फर्क है हम लोग तो एक जनरेशन पुराना वेब सीरीज <laughs> के लिए इसलिए तो चलिए ओके तो ये सारे हमारे इंडियंस हैं जो धमाल मचा रहे हैं आ, गजब का लेकिन वही बात है कि इसमें खुशी की बात है कि इंडियन सब जगह झंडे गाड़ रहे हैं दुख की बात है कि ये बाहर जाकर गाड़ रहे हैं यही नहीं करे कमाल तो बात ही अलग हो तो चलिए लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है तो मजा आ गया ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन ओके विदेश में अच्छा चोपड़ा साहब कुछ कहना था जी चोपड़ा साहब <laughs> चोपड़ा साहब अनम्यूट हो जाओ नहीं तो सुन नहीं पाएंगे हम Uh, मैं कह रहा हूं अनिल जी कि जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट अभी हमने देखा पिछले साल में रिलायंस में आई है काफी इंटरनेशनल इंटरेस्ट आया और जो फैंक कंपनीज हैं उन्होंने भी पैसा डाला तो उसमें से काफी जो uh, मुझे लगता है कि श्रेय जाता है वो इंडियंस को ही जाता है क्योंकि सुंदर पिचई हो या सत्या नडेला हो या मतलब बहुत सारे जो इंडियंस बैठे हैं यूएस में बड़ी कंपनियों के सीओ तो वो अब भारतीय कंपनियों में स्टेक्स खरीद रहे हैं तो यदि भारतीय लोग ना होते तो शायद इतना इंटरेस्ट ना होता या उनका इंटरेस्ट कहीं और होता तो मुझे लगता है कि भारतीयों का बाहर होना भी उतना ही आवश्यक है जितना भारत में है तो वहां बैठ के वो लटगाड़ते रहे और हम यहाँ भोकाल मचाएं इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आए और मुझे लगता है ये ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है बाहर होना और यहाँ पे भी कंपनीज अच्छा करें hmm. तो गौरव की बात है इंडियन एमएनसीज भी बन रही हैं और इंडियन जाकर बाकी ग्लोबल कंपनीज को लीड भी कर रहे हैं और बढ़िया यहां पर खबर कुशल ने हमारे साथ बताई है काफी अच्छी परफॉर्मेंस इन कंपनीज की रही है जब से इन सीईओज ने टेक ओवर भी